नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद भूषण वाडेकर, भूषण सर फ्रॉम आकार एजुकेशन हब एंड आईआईटी सेंटर। दोस्तों, इससे पहले हमने कक्षा दसवीं एसएससी क्लास से, 10 क्लास से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस लेसन को शुरू किए थे। इस लेसन में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन की सॉल्व करने की तीनों मेथड, पहली ग्राफिकल मेथड, दूसरा क्रैमर्स रूल, तीसरा साइमल्टेनियस सॉल्विंग, है ना, इन तीनों मेथड्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। इन तीनों मेथड की एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 हम खत्म कर चुके हैं। अब हमने इसके बाद शुरू किया था एक्सरसाइज 1.4, हमारा टॉपिक था इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने इसका लेक्चर नंबर 1 में इसका एक क्वेश्चन कवर किए थे, है ना। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इसके दूसरे लेक्चर में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने के पहले, आज का क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बोलना चाहूंगा, हमारे चैनल पर ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आते हैं, आप उन वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, है ना, दोस्तों के साथ शेयर करो, अपनी एजुकेशन की जर्नी को ऐसे ही आगे बढ़ाइए। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट करो, बिकॉज ऐसे ही जो वीडियोस आते हैं उनका फ्री नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चैनल हमारा फ्री है, सब्सक्राइब करें और अपने जर्नी को आगे बढ़ाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, टेन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। अब अगर हम लोग देखें तो मेथड ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, उसे हमने पढ़ा था। चलो और आपको बताते हैं क्या करते हैं हम लोग। गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर या कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन, कंसीडर ऐसे भी लिख सकते हैं आप। पहली इक्वेशन जो है बेटा इनमें से इसकी, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और जैसे मैंने उस दिन किया था, ये लिखने के बाद थोड़ा सा गैप रखा था, एंड दूसरा इक्वेशन जो हमारे पास है वो है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस। ये गैप किस चीज के लिए रखा था तो आपको पता है, मैंने आपको उस दिन कॉमन पार्ट दिखाए थे। पहले क्वेश्चन में 1 बाय एक्स 1 बाय वाई दोनों जगह यहाँ 1 बाय एक्स आया होगा, अभी यहाँ 2 है एक्स प्लस वाई, देखो याद करो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई को एक्स, ये कॉमन पार्ट आपको दिखाई पड़ते हैं। तो दूसरी बार में हमने क्या किया था, 10 अपॉन, तो ऐसे ऐसे लिख सकते 10 बिकॉज पता है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करता है फ्रैक्शन भाग, इसके ऊपर मुझे जो भर, तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता है डिनोमिनेटर को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बिकॉज 10 1 10 मीनिंग जैसे का वैसा, मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्वेश्चन आपका एज इट इज है बेटा, जैसे का वैसा है। इसे हम हमारे सुटेबिलिटी हेल्प के लिए, बच्चों को अंडरस्टूड हो जाए, इसलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं। सेम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी हम यहां से 15 को सेपरेट करेंगे, 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ये बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा करने के बाद हम हमें दोनों जगह यहाँ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या लिख रहे हैं, कॉमन, तो कॉमन चीजों के लिए ही बेटा करते हैं। और ये x और y क्या है, वेरिएबल सर, 2 है ना, तो 2 वही होगी, वो x और y कॉमन फॉर्म में आना है, है ना। इनऑल कितने वेरिएबल है आपकी इक्वेशन में, 2, तो आपको डालने भी 2 है, लेकिन कॉमन में है तो ऐसा नहीं करते, याद रहो कैसा करेंगे, जैसे उस दिन हमने आपको बोला था यहाँ का पूरा कॉमन मिला के m इसे 1/x के लिए उसने लिया था, या x लेगा x + y है ना, तो दोनों में जगह कॉमन लेना है 1/x + y 1/y, उसके लिए वेरिएबल एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई उसके लिए वेरिएबल लेते हैं एन। तो ये हमें पुटअप करने हैं, पुट करनी है ये दो चीजें, पहला 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के लिए एम, और दूसरा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के लिए हमें कितना डालना है, तो एन, क्या पुटअप करना है हमें एन। चलिए बढ़ते हैं,
अब इन दोनों वैल्यूज को हम पुट अप करते हैं दोनों जगह पे, तो फ्रॉम इक्वेशन वन पहले इक्वेशन में इसे डालते हैं। पीछे इक्वेशन नंबर वन आपने दिया, देखो वन अपॉन एक्स प्लस वाई को आपने माना है एम, तो आपका इक्वेशन बनेगा बेटा टेन प्लस टू एन इज इक्वल टू माइनस फोर, करेक्ट, क्लियर है। एंड उसके बाद अब सर यहां पर आप थोड़ा ध्यान दोगे, ये सब इवन इवन फॉर्म में है ना, तो आपको बोल चुका हूं मैं जब भी इक्वेशन आपको सेम फॉर्म में मिले और अगर डिवाइड होती हो तो इक्वेशन को बड़ा नहीं छोटा करना इतना हो सके उतना। चलो एक काम करते हैं बेटा, याद रखिए इक्वेशन है काफी सिंपल फॉर्म में है और कोई इवन नंबर है तो डिवाइड हो जाती है, तो थोड़ा सा छोटा कर दो इक्वेशन को, डिवाइड बाय हम कर सकते हैं टू, तो डिवाइड बाय टू टू हो सही, हम पढ़ चुके हैं साइमल्टेनियस सॉल्विंग प्रोसेस के वक्त भी हम लोग ये पढ़ चुके हैं, तो उसको टू से डिवाइड करें तो यहाँ आएगा फाइव एम, टू से डिवाइड करें तो एन, टू से डिवाइड करें तो माइनस टू, और इस तरीके से आपके पास नई इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर थ्री। अब ये हमने वैल्यू कहाँ पुट अप किया था वन में, अब यही वैल्यू हम लोग कहाँ पुट अप करने वाले हैं टू में, तो फ्रॉम इक्वेशन टू जो सब्स्टिट्यूशन हमने इस्तेमाल किया था उसको टू में डालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन नंबर टू में इसको पुट अप करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन टू इस टू में डालते वक्त में ये देखो याद करो तो 15 बनेगा m बिकॉज 1 अपॉन x plus y के है ना 15 इनटू एंड माइनस है बेटा यहां पे 5 इनटू n बन जाएगा और इज इक्वल टू जो है यहां पे वो है माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है माइनस 2, ऊपर वाले में माइनस की प्लस सॉरी तो ये प्लस रहेगा, नीचे वाली इक्वेशन यहां है पहली में प्लस 4 में पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाली इक्वेशन है तो नेगेटिव। अब यहां से डिवाइड बेटा नहीं 5 टू 5 का टेबल लेकिन 2 आता है तो 2 डिवाइड नहीं हो पाएगा, सो इक्वेशन नंबर बनी 2 आ जाओ इक्वेशन नंबर बनी नेक्स्ट इज 4 इक्वेशन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब अगर ध्यान देते हैं तो यहां n का कोएफिशिएंट 1 है यहां कितना है 5 पता है सर, ये तो भी हां बेटा ये तो m n n n जो मैंने उसे बोला था इक्वेशन रिड्यूस इक्वल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, हमें कुछ डिफरेंट इक्वेशन दी थी याद करो हजार अंतर वेरिएबल थे और वेरिएबल का में थे अपॉन में, हमने आपको बताया था कि हमें इक्वेशन चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब वेरिएबल का में एक इनटू में, तो ये जो पार्ट आप पढ़ रहे थे 1.4 यहां से होता क्या है तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है और सब्स्टिट्यूट करके उस इक्वेशन को हम लोग काम में लाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो अभी हमारे दोनों इक्वेशन उसी फॉर्म में आ गए स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद उसी में तो फिर लगती है साइमल्टेनियस सॉल्विंग जो आपको अच्छे से पता है 9th क्लास में पढ़े 10th कक्षा में पहले का वही था साइमल्टेनियस सॉल्विंग। चलो साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं यहां क्वेश्चन 1 यहां का 5 सेम नहीं है इक्वेट करना पड़ेगा, तो और 5 और 1 फिर टेबल में नहीं आते हैं तो एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इसके 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इक्वेशन 3 को कितने से 5 से और इसके 1 से इसको एंड इक्वेशन 4 को कुछ भी नहीं मतलब हुआ एक्चुअली वैसे मल्टीप्लाई करने के लिए 5 1 5 बना पर हम लिखते हैं है ना करेक्ट बिकॉज 5 1 5 वैसे ही आने वाला है 1 आ रहा है तो लिखने की गरज नहीं होती बिकॉज 5 1 5 1 5 टेबल में भी आ रहा है ऐसे उस बेसिस पे। तो चलो इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 = 25 m 5 इनटू n 5 n एंड 5 2 = 10 ये नई इक्वेशन आपके पास बनी दैट इज इक्वेशन नंबर 5 कितनी इक्वेशन नंबर बनी बेटा ये 5 सो ये इक्वेशन नंबर 5 आपके लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड दूसरा इक्वेशन जहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से तो 1 मतलब दिस इज 5 एंड 1 इन समथिंग सेम आएगा बेटा याद करो 15 इनटू 1 15 5 इनटू n 5 n एंड माइनस 2 इनटू 1 दैट इज माइनस 2 इस तरीके से हम लोगों ने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। अब याद कीजिए ये प्लस 5 है ये बना है माइनस 5 है क्या करना होगा इन्हें ऐड क्या करना होगा ऐड तो अभी करेंगे हम लोग यहां पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एडिंग इक्वेशन सॉरी जो नई इक्वेशन आई है अभी 1 2 3 5 एंड 6 जो नई इक्वेशन आई बनी उसे ऐड करना है एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6 तो 25m प्लस 5m इज इक्वल टू 10 ये है इक्वेशन नंबर 5 इसमें ऐड करने जा रहे हैं हम लोग 15m माइनस 5m इज इक्वल माइनस 2 है ना इज इक्वेशन नंबर 6 तो ऐड कर रहे हैं हम लोग 5 एंड 5 इट इज 10 है ना और कैरी आ गया 1 तो इट इज 4 कैरी आ गया 1 इधर में तो 40m प्लस और माइनस सर ये डिवाइड हो दोनों पॉजिटिव पे ऐड प्लस माइनस कैंसिल तो ये कैंसिल हो चुका है आपसे
और 10 में से 2 चले गए तो 8, सो आपको चाहिए m की वैल्यू, m इज इक्वल टू 8/40, याद करो भाग लग जाएगा 8 1 8 5, तो m की वैल्यू आपके पास आती है 1/5, इसकी वैल्यू निकाला हमने m किया, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग n की। इस इक्वेशन को कहीं भी एक छोटे जगह पर प्रोडक्ट करते हैं, मुझे लगता है ये बड़ा इक्वेशन है ना, कोई भी आप 3 4 में डालो, 5 6 में, जो m और n के फॉर्म में है उसमें आप प्रोडक्ट कर सकते हो। तो पुट कर रहा हूं मैं, m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन डाल देता हूं बेटा मैं 3, ये छोटा है तो 5 है, ये 4 में 15 है, थोड़ा सा मतलब ये छोटे है तो उसमें डाल देते हैं हम लोग 5 m की वैल्यू 1/5 करेक्ट प्लस n इज इक्वल टू 2, 5 5 से भाग लग गया तो रहता गया ऐसे, तो यहाँ कितना बचा 1 प्लस n इज इक्वल टू 2, सो n इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो इस तरीके से n की वैल्यू भी आ गई 1। सो m और n की वैल्यू हमने निकाल ली, बट हमारा टारगेट जो था, हमारे ओरिजिनल वेरिएबल जो है वो कौन से है, x और y, तो हमें एक्चुअल वैल्यू किसकी निकालनी है, x की एंड y की, तो आगे बढ़ना होगा हम लोगों ने। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट, बट दैट इज बाय रीसब्स्टिट्यूशन, बाय रीसब्स्टिट्यूटिंग, बाय रीसब्स्टिट्यूटिंग या बाय रीसब्स्टिट्यूशन, तो रीसब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, क्या रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, जो आपकी वैल्यूज थी याद कीजिए, 1/x + y को आपने m लिया था एंड 1/x - y को आपने n कंसिडर किया था। अब यहां प्रोडक्ट करते हैं 1/x + y इज इक्वल टू m, m की वैल्यू आ चुकी है 1/5 एंड 1/x - y इज इक्वल टू n, m की वैल्यू आ चुकी है 1। सर अभी आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या उल्टा करो, इसी से मैंने बोला था क्रॉस करोगे तो वही मिलेगा 5/x + y, मतलब x + y इज इक्वल टू 5, तो यहां से भी एक जो बन रहा है ये आपके पास और क्या बन रहा है, लीनियर इक्वेशन सर, और हाँ बिकॉज यहाँ दो वेरिएबल आए थे, यही फर्क है, कल आपके इसके पहले वाले क्वेश्चन के बाद 1/x था, 1/y सिंगल वेरिएबल था, इस स्टेप पे डायरेक्ट x की और y की वैल्यू मिली थी, अब यहाँ कॉम्बिनेशन फॉर्म में x + y, तो यहाँ पर भी इक्वेशन बन रहा है, तो इक्वेशन नंबर 6 हो चुका है, इसको हम लोग देंगे 7 एंड इसको क्रॉस करो तो इसके अंदर भी नहीं आने 1, तो यहाँ मिलेगा x - y = 1, इक्वेशन नंबर 8। एंड लास्ट स्टेप अभी हमें करनी है, इन दोनों को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 7 and 8, सर अभी से ऐड ही क्यों कर रहे हैं, बिकॉज प्लस वाई माइनस वाई कोएफिशिएंट सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट साइन रहा, तो क्या करते हैं ऐड, इस हम आप पढ़ा चुके हैं बेटा लीनियर सॉल्विंग मेथड के वक्त में, तो x + y = 5 इज इक्वेशन नंबर 7, इसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग x - y = 1, इक्वेशन नंबर 8 ऐड करने जाएंगे, yy कैंसिल, yy कट गया, 2x = आया 6, सो x की वैल्यू 6/2, इस तरीके से x का आंसर आपको मिला 3, है ना। अब ये x की वैल्यू भी इक्वेशन में डाल दो, पुट कर लेते हैं x = 3 इन आइदर x एंड y, इसका ओरिजिन वहां पर, बट सिंपल इक्वेशन नहीं है, यहीं पे डाल दीजिए, इन इक्वेशन आप डाल देते 7 में, इक्वेशन 7 में, तो x = 3 3 + y = 5, सो y = 5 - 3, सो यू गोइंग टू गेट वैल्यू ऑफ y एज अ 2, और इस तरीके से आपका सॉल्यूशन सेट आता है इस क्वेश्चन का, सॉल्यूशन सेट जो आता है सिंपल ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना, तो आंसर आया 3, 2, क्लियर है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, इन सब इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, काफी सिंपल है, दोनों इक्वेशन में आपको कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन दिखता है, इधर एंड इधर बोथ साइड में प्लस माइनस के आजू-बाजू में, जैसे इन दोनों इक्वेशन में अभी यहां पर 1/x + y, इधर भी 1/x + y, उसके लिए हमने वेरिएबल पर वेरिएबल के लिए पुट अप कर रहे हैं वेरिएबल, तो m डाला 1/x - y, 1/x - y उसके लिए कितना पुट अप किया m, जैसे आप इनके लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद तो पता है पूरी साइमल्टेनियस सॉल्विंग मेथड, तो ये कोई एप्लीकेशन है कोई भी सब्स्टिट्यूशन का, कोई हार्ड नहीं है, जो मेथड हम पहले ही पढ़ चुके हैं उसका ये यूज है, इसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक ये एप्लीकेशन होता है, दूसरा होता है वर्डिंग वाला जो लास्ट एक्सरसाइज हमारी है ना दोस्तों, तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन होते हैं आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, करेक्ट प्रॉब्लम सेट में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, दो एक या दो क्वेश्चन उन्हें आपको सॉल्व करके देखना है, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।